ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूँ जिसमें सब रोमांस हो। हर बात के दो पहलू होते हैं। मुझे क्या लगता है ये ऊपर से आके हमारी झोली में आ टपकी है, तो चमत्कार है। लड़कियां चाहिए मुझसे क्या था? एंडिंग का है? दोस्तों, आप सब लोगों को सलमान खान और गोविंदा की जबरदस्त जोड़ी तो याद ही होगी, जो हमें पार्टनर मूवी में देखने को मिली थी। पार्टनर मूवी 2007 में रिलीज हुई थी, जिसे लोगों से भरपूर प्यार मिला था। और अब इतने लंबे समय के बाद बहुत ही जल्द इस मूवी का सिक्वल बनने वाला है। अभी हाल ही में इस मूवी की अनाउंसमेंट कर दी गई है। पार्टनर मूवी का सिक्वल बहुत ही जल्द बनेगा और बहुत ही जल्द हम सबको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी तक मूवी को लेकर कोई भी बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है। ना ही इस मूवी की कास्टिंग के बारे में कोई अपडेट है, ना ही इस मूवी के बारे में। लेकिन ये खबर पक्की है कि हमें दोबारा से वही 2007 वाली जोड़ी देखने को मिलने वाली है। इस मूवी को तो वैसे काफी समय पहले ही रिलीज हो जाना था, लेकिन बीच में खबरें आई थी कि गोविंद और मूवी के डायरेक्टर डेविड धवन के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है, इसलिए मूवी को काफी डिले कर दिया गया। लेकिन अब सब कुछ दोनों के बीच नॉर्मल है, इसीलिए पार्टनर 2 मूवी को लेकर खबरें सामने आने लगी हैं और सलमान खान इस मूवी के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मूवी की कास्टिंग में हमें सलमान खान और गोविंदा की जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिल सकती है, और साथ ही फीमेल लीड रोल में हमें कैटरीना कैफ दोबारा से देखने को मिल जाए। और मूवी के डायरेक्टर तो पुराने वाले ही होंगे, यानी कि डेविड धवन। मूवी के सिक्वल के लिए हमें थोड़ा लंबा तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी सलमान खान की टाइगर 3 मूवी की शूटिंग में लगे हुए हैं, जो कि 2023 के लास्ट में रिलीज होनी है। और अभी तो पार्टनर 2 मूवी की स्टोरी पर काम चल रहा है। स्टोरी कंप्लीट होने के बाद इस मूवी की शूटिंग शुरू होगी। और वहीं बात करें सलमान खान बैक टू बैक काफी एक्शन मूवी दे चुके हैं, इसीलिए वो भी चाहेंगे कि उनकी ऑडियंस एक कॉमेडी बेस मूवी देखने को मिले, इसीलिए हो सकता है कि वो भी इस मूवी पर बहुत ही जल्द काम शुरू कर पाए। वहीं बात करें अगर 2024 में मूवी की शूटिंग स्टार्ट होती है, तो मूवी की शूटिंग में लगभग 7 से 8 महीने का समय लगेगा, जिसके बाद मूवी हमें सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी, यानी कि मूवी हमें 2025 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा। अब देखना ये भी होगा कि डेविड धवन इस मूवी में हमें क्या और दिखाते हैं, तो इस मूवी को भी क्या पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।